टेंसेस जो है बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले हैं और हमसे कई गुना अच्छा पढ़ाने वाले बैठे हुए हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन बहुत से तरीके उन लोग बताते हैं, सब अपना अपना तरीका बताते हैं। और लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो चीज़ टीचर को बच्चों को पढ़ाने से टेंसेस पढ़ाने से पहले बता देनी चाहिए वो नहीं बताते हैं, या कुछ लोग बता भी देते होंगे, आई डोंट नो अबाउट ऑल दी पर्सन। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं जो बच्चे को पता होंगी तो वो टेंसेस अच्छे से समझ लेगा, बिकॉज क्योंकि टेंसेस क्या है, ये रूट है या ये कह दें मदर है पूरी ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर या व्याकरण या भाषा जो इंग्लिश की है उसकी ये मदर है कह सकते हैं। और अगर ये सही आता होगा या आप सही कर लेंगे अपने आप में तो बहुत कुछ आपको अच्छे से आ जाएगा, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं, आप मैथ्स भी इससे समझ सकते हैं। आप कहेंगे इंग्लिश से ग्रामर से मैथ्स का क्या रिश्ता, वो रिश्ता ये है जो बातें अभी बताएंगे उसका सबका निचोड़ से आप जो है सारे सब्जेक्ट अच्छे कर सकते हैं। वो रिश्ता ये है कि मैथ्स में क्या होता है कि प्रॉब्लम सम्स वगैरह होते हैं, अप्लाइड वगैरह सब कुछ उसमें प्रोसेस होता है ना, प्रॉब्लम सम्स क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्वेश्चन ही जब आपके नहीं समझ में आएंगे तो आप सोल्यूशन क्या देंगे। मैथ में यही है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सोल्यूशन दे सकते हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आप सोल्यूशन नहीं दे सकते। इसलिए पहले टेंसेस स्ट्रांग होना चाहिए। टेंसेस क्या है, ये ग्रामर की जान है, और ग्रामर की जान जो टेंसेस की जान है वो क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है इसकी जान है। तो इसलिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपको वर्ब पता होना चाहिए सभी बच्चों को। वर्ब को किसे कहते हैं, क्रिया को कहते हैं, यानी कोई भी काम करना, पढ़ना लिखना सोना जागना दौड़ना हंसना रोना सब वर्ब है, जिसमें ना 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 लगाओ वो सब वर्ब है। अब वर्ब पता होना चाहिए प्लस वर्ब की सारी फॉर्म्स पता होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म जिसे हम कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म भी होती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म को ही फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, किस लिहाज से कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दो तो वो फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तो ये सिंगुलर फॉर्म कही जाती है, ये प्लूरल फॉर्म कही जाती है वर्ब की। ठीक है, वो आप अलग कैसे, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, फोर्थ फॉर्म क्या होती है, आईएनजी फॉर्म क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए, फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये सही से पता होना, जैसे हमने दिया है उसकी हिंदी भी पता होना चाहिए। यही मेन कारण है कि लोग हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी दोनों बदलें। बहुत से लोग कहते हैं इंग्लिश बोलने और समझने के लिए इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना पड़ेगा, है ना, वो अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है अपनी जगह सही है, लेकिन क्योंकि हमारी मातृभाषा मदर टंग हिंदी है तो हमें चीजों को हिंदी में समझना पड़ेगा, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी समझना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा दोनों चीजों को, तो हम इंग्लिश सही से समझ सकते हैं और बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं, समझ सकते हैं, सब कर सकते हैं। इसलिए सबकी हिंदी जरूर पता होना चाहिए। अगर आप किसी आईसीएसई स्टूडेंट से पूछें वो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो को इंग्लिश में बॉय कहते हैं, उन लोगों को यही नहीं पता है क्योंकि वहाँ रट्टाफिकेशन कराया जाता है, सही से नहीं समझाया जाता है, उन लोग का बेस बहुत वीक होता है, बस इंग्लिश टू इंग्लिश सुन सुन के एटमोसफियर में रह के थोड़ा बोलने लगते हैं। ठीक है, लेकिन एकदम बेसिक चीज़ें उनको नहीं पता होती हैं, ये अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी का अच्छा भी हो, वो नहीं कह रहे। ठीक है, तो गो मीन्स क्या होता है, जाना। अब इसका मतलब भी पता होना चाहिए तभी तो आप आगे समझ पाएंगे बातों को। जैसे वो को इंग्लिश में ही कहते हैं, है ना, ये तो वर्ब नहीं है, मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं वर्ब नहीं, लेकिन ये भी चीजें पक्का होना चाहिए। ठीक है, वो मीन्स जाना होता है, लेकिन इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी याद होना चाहिए। वेंट मीन्स क्या है, गया। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जा चुका। गोइंग जा रहा फोर्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म क्या है, गोज जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का मतलब सेम होता है, बस ये सिंगुलर के साथ लगता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, वो आगे बात आपको समझ। इसी तरह हमने ईट एक एग्जांपल दिया है, ईट ईट मींस खाना, है ना, दोनों खाते हैं, ईट मींस खाना, उसकी सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, फोर्थ फॉर्म ईटिंग और फिफ्थ फॉर्म ईट। ठीक है, तो ये चीजें आपको ये सारी वर्ब की फॉर्म बताना चाहिए, होके लाख डेढ़ लाख कम से कम याद ही होना चाहिए, तो अच्छे से आपको हो जाएगा और ये सब प्रैक्टिस से याद हो जाएंगी। जितना हिंदी टू इंग्लिश वर्ड की याद करेंगे, अरे हिंदी टू इंग्लिश याद करना है वर्ड का मतलब, जितना ज्यादा इंग्लिश का हिंदी में पता होगा, हिंदी का इंग्लिश में पता होगा, उतना ज्यादा फायदा है। और वो क्या है, इससे अच्छा है कि आप वर्ब की फॉर्म ही याद कर लिए, या जितने भी वर्ब हैं काम करने वाले, जितने भी काम करते हैं उन सबको इंग्लिश में पता कर लिए या हिंदी टू इंग्लिश, हम पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसी तरह दूसरी बात यह, हर वर्ड की इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग, हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग। जैसे खेलना को प्ले कहते हैं, ये पता है हमको, तभी हम टेंस सही समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और दौड़ना को रन कहते हैं, है ना, या रन को दौड़ना कहते हैं, ये सारी बातें पता होना चाहिए, हर वर्ड की इंग्लिश टू हिंदी पता होना चाहिए, जैसे वर्ब की हो और इसके अलावा भी जो वर्ब नहीं है। जैसे वर्ब मीन्स तो कोई काम करना, जो वर्ब नहीं है जैसे किसी
जैसे कोई कहते हैं मैं तुम वो ये हम उसका तुम्हारा, ये सब वर्ड की मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको नाउन प्रोनाउन का मतलब, नाउन को पता ही, किसी भी इंसान के नाम को कहते हैं, और प्रोनाउन का क्या होता है, प्रोनाउन कहते हैं सर्वनाम को हिंदी में, है ना, प्रोनाउन कहते हैं सर्वनाम को, उर्दू में जमीर कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, मैं ये वो हम तुम, ये सब प्रोनाउन है, इसकी इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश भी फॉर्म है। इसके अलावा रूल्स आपको फाइनली टेंसेस के पता होना चाहिए। आपने देखा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ए आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब लिखा होता है, कहीं आई एन जी फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म, तो ये सब आपको रूल्स भी याद होना चाहिए। ये सारी चीजें जब होंगी तो आप टेंसेस सही से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पता होंगी सारी चीजें तो आप टेंस डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो जल्दी सही से समझ में नहीं आएगा, आप सोचेंगे जो हम सोच रहे हैं वही कोई समझा दें। तो ये सारी चीजें हैं, आप सबका अपना अपना तरीका होता पढ़ाने का। तो अगर किसी को हमसे पढ़ना है, मेरे तरीके से पढ़ना है, तो ये मेरा नंबर है 7784989363, इससे जो है कॉन्टेक्ट करें, और 1-to-1 भी पढ़ सकता है, ऑनलाइन पढ़ सकता है, ऑफलाइन मोड भी पढ़ सकता है। लॉकडाउन लग रहा है, लोग लगने वाला है या लग सकता है, स्कूल भी बंद हो गए, बच्चे तो बड़ा खुश होते हैं कि भाई स्कूल बंद हो गए, छुट्टी मिल गई, है ना, फ्री फायर पबजी खेलेंगे, सब नुकसानदेह उनके लिए, क्योंकि अभी वो काम, जैसे अभी ये स्कूल बंद हुए हैं 2022 चल रहा है, लेकिन ये बच्चे जो फ्री फायर पबजी वाले हैं, ये पढ़ाई लिखाई ना करके, ऑनलाइन क्लासेस ना करके गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनको इफेक्ट या इसका रिजल्ट जो मिलेगा, वक्त ही देता है, वक्त सब अच्छा जाता है, तो 2030 तक इसका हर्जाना उनको मिलेगा कुछ ना कुछ। आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, ये पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा माहौल ही क्रिएट हो रहा है कि पढ़े ना इंसान, ठीक है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है, क्या कह सकते हैं। लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो बेवकूफ़ लोग आपको बनाएंगे, नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसा ये नहीं है कि आप ऐसे ही काम चल जाएगा, आगे बहुत दिक्कत होगी फ्यूचर में, ठीक है। तो बच्चे जो है बेवकूफ़ ना बने, वो ऑनलाइन क्लासेस अगर हो रही है तो ये बेस्ट तरीका है। लोग हम लोग सोचते थे कि ऑनलाइन क्लासेस हो, मतलब हम लोग के टाइम पे जब पढ़ते थे तो इतना रिसोर्सेज नहीं थे, अब आईसीटी के थ्रू अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, या इन सब चीज़ों से पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एनिमेट करके भी बता सकते हैं बच्चों को, उससे तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। लेकिन बच्चे समझते नहीं इस कीमत को, उसको जो है हल्के में लेते हैं, क्लास ही नहीं करते, गेम खेलते रहते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, वो सब उनके लिए नुकसानदेह बात बोला है। अच्छा, किसी को हमसे अगर कॉन्टैक्ट करना है, पढ़ना है, तो पर्सनली 1-to-1 भी पढ़ सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ सकता है, ठीक है, या ग्रुप बना ले अपना, उसको साथ में पढ़ सकता है, ठीक है। तो अगर किसी को पढ़ना हो तो कॉन्टैक्ट करें, वरना यूट्यूब पे आप पढ़ेंगे, चित्र वितर पढ़ाएंगे, और एक फॉर्मल वे में नहीं पढ़ेंगे, कोई एक वीडियो देखी, अगले दिन नहीं देखी, 2-3 दिन नहीं देखी, फिर इसका भी देखी, थोड़ी देखी, अधूरी देखी, नहीं है, इसको प्रॉपरली क्लास करिए। अगर स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं उसको करिए, वरना अगर हमसे पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लासेस तो एक अलग अंदाज में होंगे, आपको इंटरेक्टिव वे में भी पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये चीज़ें अपनी परफेक्ट कर लिए तो आप आगे से अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है।